हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्बास महू जी। आज मैं जा रहा हूँ सिक्स लेक्चर में एमएस वर्ड का। हम लोग स्टार्ट फर्स्ट से लेके फिफ्थ लेक्चर तक हम लोग ने होम और इंसर्ट कंप्लीट किए। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट में सबसे पहला आता है थीम्स। अपने को अगर थीम सेट करना है, थीम्स ब्लैंक पेज में नहीं अप्लाई होते, ठीक है। अगर हम लोग को अप्लाई करना है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंसर्ट में जाके कवर पेज लेंगे। मैंने एक कवर पेज लिया, ओके। अभी उसके ऊपर मैं अप्लाई कर सकता हूँ मेरा थीम। तो कौन सा भी आपको थीम चाहिए, फॉर एग्जांपल ये वाला थीम आप देख सकते हो ना, चेंज ऑर्डर। फिर कलर्स मेरे को सेट करना है, कौन सा भी एक कलर। सपोज मैंने ये कलर लिया तो मेरे थीम्स के कलर भी चेंज हो जाएंगे उसके साथ। फॉन्ट चेंज करना तो फॉन्ट भी चेंज होगा। देखो आप टाइप डॉक्यूमेंट कैसे चेंज हो रहा है, ओके। फिर आता है मेरे को अगर इफेक्ट मेरा, सबसे पहले मेरे को मेरा कवर पेज हटाना पड़ेगा, रिमूव करना कवर पेज। जाऊँगा मेरे मार्जिन में, मार्जिन ये नॉर्मल मार्जिन है जो यहाँ रहता है। फिर आता है मेरा नैरो मार्जिन जो यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर आता है मेरा मॉडरेट, फिर आता है मेरा वाइड और मिरर, ओके। फिर ओरिएंटेशन में होता है लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। फिर पेपर का साइज रहता है, आपको कौन से साइज का पेपर चाहिए। फिर आता है कॉलम्स। यहाँ मैंने मेरा पैराग्राफ लिख दिया, ओके। इसको डिवाइड करना है कॉलम्स में। कॉलम लिया थ्री कॉलम में डिवाइड हुआ टू कॉलम में वन टू वन, ओनली लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, बैक टू नॉर्मल वन, ओके। फिर ब्रेक आता है, मेरे को ब्रेक करना है मेरे पेज को, ठीक है। मैंने ये फर्स्ट में रखा, सेकंड में इसको लेना है तो पेज ब्रेक, सेकंड पेज में गया, इसको थर्ड में लेना है तो थर्ड पेज, समझे। कंट्रोल जेड से मैं फिर से इसको जैसा था वैसा करता। लाइन नंबर्स, मेरे को लाइन नंबर्स अप्लाई करना है, कंटिन्यूस, रिस्टार्ट ईच पेज और नन, ओके। हाइफनेशन लगाना है तो हाइफनेशन ऑटोमेटिकली, ये देखो टेम्पलेट टेम्प यहाँ लिखा, हाइफन लगा के प्लेट हटा दूंगा तो हो जाएगा जैसा था। वाटरमार्क अप्लाई करना है मेरे पेज में, यहाँ वाटरमार्क लिया, कौन सा वाटरमार्क, कॉन्फिडेंशियल्स का अप्लाई किया तो ये आ गया। मेरे को इसको हटाना है तो यहाँ से जाके रिमूव वाटरमार्क। मेरे को एक खुद का वाटरमार्क कस्टमाइज करना है तो कस्टम वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क के अंदर कौन सा चाहिए, पिक्चर वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्क। हम लोग अभी टेक्स्ट वाटरमार्क लेंगे। इसके अंदर जो टेक्स्ट है मैंने लिखा अब्बास, और यहाँ जो फॉन्ट है वो फॉन्ट लूँगा, साइज जो भी साइज चाहिए, कलर फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए ब्लू, अप्लाई, क्लोज, आ गया मेरा वाटरमार्क। इसको भी हटाना है तो रिमूव वाटरमार्क। पेज कलर, मेरे को पेज कलर चेंज करना है तो यहाँ से पेज कलर चेंज कर सकता हूँ, मैंने रख दिया येल्लो। पेज बॉर्डर अप्लाई करना है तो इतने सारे बॉर्डर से, फॉर एग्जांपल मैंने 3D लिया, 3D का ए शेड लिया, ए स्टाइल लिया, कलर दे दिया मैंने उसको रेड, और इसकी वेथ थोड़ी इंक्रीज कर दिया 6 पॉइंट, ओके। हटाना है तो इसको यहाँ जाके नन, ओके। मेरे को अगर आर्ट्स चाहिए, आर्ट्स बॉर्डर, तो यहाँ से आर्ट का भी ऑप्शन है, मैं यहाँ से कौन सा भी एक आर्ट का बॉर्डर दे सकता हूँ, ओके। फिर आता है इंडेंट। इंडेंट किसके लिए, ये देखो, हेलो माय नेम इज अब्बास, इसको सिलेक्ट किया, लेफ्ट इंडेंट तक जाना है लेफ्ट जाएगा, राइट तक लेके जाना है तो राइट तक, फर्स्ट ऑल इसको लेफ्ट कर दो, फिर यहाँ से राइट वन, जितना राइट करना, ओके, जैसे आपको राइट करना है। तो इसको जीरो, इसको भी जीरो, बिफोर कितनी स्पेसिंग चाहिए और आफ्टर कितनी स्पेसिंग चाहिए। और ये हम लोग का जो अरेंज था वो इंसर्ट टैब में, जब मैंने इमेज आप लोग के साथ इमेज डिस्कस करा तभी ये मैंने पूरा टैब पर आ दिया अरेंज का, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन ग्रुप, रोटेट।
तो आज का हम लोग का लेक्चर यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।